अस्सलामु अलैकुम, चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको नेक का एक डिज़ाइन बताऊंगी। उसका मैंने एक स्केच बना लिया है। ये कुर्ती पे इस तरह से दिखेगा। इसमें हमें तीन चीज़ें करनी होंगी। एक, हमें जिस तरह हम नॉर्मल नेक बनाते हैं राउंड नेक, वो बनाएंगे। उसके अलावा हमें ये एक पट्टी काटनी होगी, और उसके अलावा एक कपड़ा दरमियान में लगेगा जिसमें पिन टक्स लगे होंगे, यानी पिन टक्स जो हम सिलाई करते हैं छोटा छोटा फोल्ड करके। और यहाँ पे हमने इस पट्टी के ऊपर एक लेस लगा देनी है। इस सब की डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये इसका नाप है। हमारे जो पिन टक लगेंगे उसकी जो चौड़ाई है कपड़े की वो 6 इंच होगी, और लंबाई उसकी 16 इंच होगी। और जो गोल नेक बनेगा, जो नॉर्मल हम जिस तरह बनाते हैं, मैंने अपना नाप यहाँ पर लिखा हुआ है। उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस है, और जो लेंथ है वो 6 इंचेस है। ये वाली हमारी चौड़ाई होती है, ये वाली लंबाई होती है। और जो हमारा पट्टी बनेगी ये वाली, उसमें 1.5 इंच हमने चौड़ाई ली है और 9 इंच हमने लेंथ ली है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक की तरफ के किस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद मैं आपको इसको अटैच करना भी बताऊँगी। सबसे पहले हमने इस तरह से गोल गला बना लेना है, नॉर्मली जिस तरह हम बनाते हैं, और इसको कट कर लेना है। 3 इंचेस इसकी विड्थ है और 6 इंचेस इसकी लेंथ है। हमने, आप समझ लीजिए, ये बुकरम है, इसको हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, और इस पे हमने निशान लगा के इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं, और इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। जितना आपने लेना होगा चौड़ा उतना आप ले लेंगे, और इसको जिस तरह नॉर्मली हम कपड़े पे पेस्ट कर लेते हैं उसी तरह आपने कपड़े पे पेस्ट करके रख देना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाली पट्टी काटनी है। जो बुकरम हमारा बचा था, या आप न्यू भी ले सकते हैं, इसको भी हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, और यहाँ से ये जो फोल्ड हुआ हुआ है हिस्सा, इससे यहाँ तक हमने 1.5 इंचेस लिया है, यानी चौड़ाई 1.5 और लंबाई 9 इंचेस ली है। और जितना आपने इसको चौड़ा रखना होगा उतना ही हम, ये आप 1 इंच समझ लीजिए, 1 इंच के बराबर हमने इसको चौड़ा रख के कट कर लेना है। ये भी हमने चेपी पे करना है, इस तरह से कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसको भी हमने चेपी पे पेस्ट कर लेना है। चेपी पे पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो सेंटर का होगा और साइड का होगा, उसको हमने कट करके इसके ऊपर चिपका देना है ग्लू की मदद से। यानी जो हमारा यहाँ पे छोटा छोटा सा कपड़ा रह जाएगा, उसको हमने इसके ऊपर फोल्ड करके निचली तरफ से ग्लू से चिपका के और इस्त्री कर लेना है। ये हमारे इस तरह से 2 पार्ट्स बन गए हैं। अब हम थर्ड की तरफ आते हैं, जो हमारा पिन टक वाला है। इसके लिए हमारी जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस है, और ये जो लंबाई है 16 इंच है। हमें इससे डबल चाहिए कपड़ा। यहाँ 9 इंच लिया था, यहाँ हम 16 इंच लेंगे, क्योंकि हमारे पिन टक बनेंगे यहाँ पे। ये हमारा इस तरह से सिंगल ही आएगा, आप डबल करके भी इसको काट सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन प्रोसेस की तरफ। ये जो हमारा पीस है फैब्रिक का या पेपर का, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके पिन टक्स बनाने हैं। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इसी तरह हम करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम थोड़े थोड़े फासले पे सिलाई लगाते जाएंगे, और हम अपने ये जो पट्टी है इसके बराबर इसको कर लेंगे।
यानी जब हमारे इसके बराबर हो जाएंगे तो हम इसको सिलाई कर लेंगे आपस में। और जो एक्स्ट्रा हमें थोड़ा बड़ा इसलिए बनाना है कि छोटा ना हो, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो उसको बड़ा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बड़े को बंदा छोटा कर सकता है। ये इस तरह से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और फिर हम इसको इसके अंदर स्टिच कर देंगे। अब हम जब इसको कुर्ती पे सिलाई करेंगे तो उसमें हमने सबसे पहले इसको सिलाई करना है। ये आप सपोज कर लें ये हमारी कुर्ती है और ये यहाँ तक हमने अपने इस गले का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे निशान लगा लिया है। इस कुर्ती को हमने कपड़ा करके फोल्ड कर लिया था अंदर और इस्त्री कर लिया था। अब हम इसकी ये बाहर की साइड पे सिलाई लगाएंगे कुर्ती के सेंटर में। ये सिलाई लगाने के बाद हमने अपने इस पीस को इसके अंदर रखना है। मैं इसको आपको बताती हूँ इसको बराबर करके। इसमें पिन टक्स लगे होंगे, यानी यहाँ पे जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं वो लगी होंगी। ये चूंकि पेपर है तो मुझे करने में मुश्किल हो रही है। इस तरह से हमारी सिलाइयाँ लगी हुई होंगी। तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है क्योंकि ये पेपर है, इसलिए ये सीधा नहीं हो रहा। हम इसको इसके बराबर कर लेते हैं। आप समझ लें वो एक्स्ट्रा कपड़ा था और इसको इसके अंदर हमने रख के सिलाई कर लेना है। इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। पिन टक्स मीन्स हमने यहाँ पे सिलाइयाँ लगा के डिज़ाइन बना लेना है। ये हमने अपनी कुर्ती पे अटैच कर लिया था। अब हमने इसको अंदर रख लिया है। जितनी चौड़ाई आपको चाहिए होगी आपने उतनी लेनी है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। ये इस तरह से हमने अंदर इसको रखा और यहाँ पे सिलाई लगा दी। अंदर वाली साइड पे हमने सिलाई लगा दी। उसके बाद हमने अपना ये वाला गला अटैच करना है। ये वाला गला अटैच, सॉरी, यहाँ पे जो हमने लेस लगानी है वो भी पहले लगा लेंगे, उसके बाद हमने अपना ये वाला गला अटैच कर देना है ताकि हमारा जो ये डिज़ाइन वाला कपड़ा है ये बाहर की तरफ ना आए और बुरा ना लगे। ये हमने ऊपर को सिलाई करके नीचे की तरफ मोड़ देना है, जिस तरह हम नॉर्मली गोल गला बनाते हैं। और सेंटर में आप बटन्स भी लगा सकते हैं। ये हमारा इस तरह से लुक आ जाएगा। ये हमारी पट्टी थी, ये हमारा पिनटक वाला कपड़ा और ये हमारा गोल गला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।